लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्थल मंडल। कौन सा है? स्थल मंडल यानी पृथ्वी की सतह, या कहेंगे पृथ्वी की सतह जिस पर महाद्वीप व महासागर उपस्थित हैं, उसे क्या कहेंगे? स्थलमंडल। उसे क्या कहेंगे? स्थल मंडल। पृथ्वी की वह सतह जिस पर, या बाह्य सतह, पृथ्वी की बाह्य सतह या सतह जिस पर महाद्वीप एवं महासागर उपस्थित है, उसको क्या कहेंगे? स्थलमंडल। अगर दोनों का अनुपात देखा जाए, दोनों का अनुपात किस किस का? जल का व स्थल का, तो ये 3:7 होता है, मीन्स 29%। तो क्या है? पृथ्वी है, या और 71% क्या है? जल। क्या है? जल। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% व दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल का क्या है? साम्राज्य है, यानी किंगस्टन है, कब्जा है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तो केवल कितना है? 61% है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे निचला ध्रुव है जो, वहाँ पर जल कितने परसेंट है? 81। अगर हम ये देखे जाए, एक प्रश्न पूछा गया था, जो माउंट एवरेस्ट पर जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की, माउंट एवरेस्ट, वो कितनी? 8,850 मीटर। और सबसे नीचा जो गहरा पॉइंट है, मेरियाना गर्त, वो लगभग 11,022 मीटर गहरा है। कितना है? यानी जो पृथ्वी का स्थल है, उससे ऊपर ऊंचाई 8,850 मीटर, और गहराई ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। अगर दोनों का गैप देखा जाए तो लगभग कितना गैप है? 20 किलोमीटर का। दोबारा देखो, पृथ्वी की सतह या बाह्य सतह जिस पर महाद्वीप एवं महासागर उपस्थित है, उसे क्या कहते हैं? स्थलमंडल। दोनों का अनुपात जल व स्थल का, या पृथ्वी का अनुपात देखा जाए, 3:7, यानी 29% पृथ्वी स्थल है और 71% जल। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% आपका जल है, और जो निचला ध्रुव दक्षिण गोलार्ध, उसके अंदर 81% जल का क्या है? कब्जा है, साम्राज्य है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, वो कितनी ऊंचाई पे है? 8,850 मीटर। और सबसे नीचा गहरा प्रशांत महासागर में कौन है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। दोनों का गैप देखा जाए तो वो लगभग कितने के बैठता है? 20 किलोमीटर के। आप पढ़ेंगे चट्टान के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। किसके ऊपर? चट्टान। अब पढ़ेंगे चट्टान्स। क्या पढ़ेंगे? चट्टान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉक्स। तो चट्टान क्या है? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या बोलते हैं? चट्टान। पृथ्वी की सतह जो, उसके कठोर भाग को क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चट्टान। जो चट्टान है, रॉक्स है, वो 3 तरह की होती है। कितने तरह की? 3 प्रकार की होती है। पहली बोलेंगे आग्नेय चट्टान, जिसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स, और इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, जिसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलेंगे।
एम सेडिमेंट्री, और ये होती है कायंत्रित मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक चट्टान जो पृथ्वी की सतह का कठोर भाग है उसको क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। तीन तरह की आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्रित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक, इसको सेडिमेंट्री और इसको इग्नियस या आग्नेय चट्टान होते हैं। जब जो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान को पढ़ेंगे, आग्नेय चट्टान यानी आग कहाँ से बना है, आग से। जब पृथ्वी के अंदर से जो लावा या मैग्मा, लावा या मैग्मा बाहर आता है, जब पृथ्वी के अंदर से जो लावा या मैग्मा बाहर आता है तो वो बाहर आकर क्या हो जाता है, जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है। ये इतना जल वाष्प होता है, यानी आग की तरह होता है, जो भी इसके संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। क्या हो जाता, जल जाता है, जो भी जीवाणुसम इसके संपर्क में आता है तो ये क्या होती है, जीवाणुसम रहित होती है। जीवाणुसम रहित यानी इसके संपर्क में आने से कोई भी जीव क्या हो जाता है, जल जाता है। तो ग्रेनाइट जैसे क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट बेसाल्ट, और एक होता है ग्रेनाइट बेसाल्ट और पेगमाटाइट, पेगमाटाइट, ग्रेनाइट बेसाल्ट पेगमाटाइट, ये सब किसके उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों के। और जो ग्रेबो हैं वो आर्थिक रूप से क्या है, संपन्न है, क्योंकि बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, निकिल, प्लेटिनम आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें लोहा, निकल, लोहा होता है एक, निकेल, प्लेटिनम, सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। और आर्थिक रूप से ये बहुत ही, इसको क्या कहेंगे, संपन्न चट्टान है। क्या है, संपन्न चट्टान है। क्या है, लोहा, निकिल, तांबा, प्लेटिनम सर्वाधिक मात्रा में होती है। और आपका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भारत है, वो दक्षिण का पठार या दक्षिणी भाग है, पठारी भाग है, और यहीं से इन्हीं मिनरल से, लवण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। कि ये जो शब्द है पेगमाटाइट, पेगमाटाइट जो यहाँ पे है कोंड्रमा, पेगमाटाइट कहाँ पाया जाता है, ये मैंने लिखा झारखंड, पेगमाटाइट के अंदर जो झारखंड के अंदर जगह है कोंड्रमा, झारखंड के अंदर क्या है, कोंड्रमा एक जगह है, वहाँ पर अब्रक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से ये क्या थी, आग्नेय चट्टान, क्या थी, आग्नेय चट्टान। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है आग्नेय चट्टान, जब इसके ऊपर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन कितने परसेंट मिलता है, 40%, एल्यूमिनियम 27% और सिलिकॉन पूछा जाए तो 8% के लगभग मिलता है। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, जैसे आग्नेय चट्टान के अंदर जो पेगमाटाइट है, एक जगह है कोंडरमा झारखंड, जो जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, अभ्रक जो इन्हीं सेलों से बनता है। आप पढ़ेंगे जब ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ, जैसे ये क्या है, पृथ्वी के अंदर जो छुपा हुआ लावा या मैग्मा था बाहर आकर जमता है, लावा या मैग्मा, पृथ्वी के अंदर छुपा जो लावा या मैग्मा किसी ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से बाहर आकर जमता है, तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक घटनाओं के कारण उसके क्या बन जाते हैं, अवसाद बन जाते हैं, यानी कि जीवाणुसम सहित होता है, जीवाणुसम सहित होता है, वो रहित था, ये जीवाणुसम
सहित होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब जो अवसाद और अवसादी या आग्नेय चट्टाने हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो उनमें कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक घटनाओं के कारण जैसे ताप, दाब व कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ये या तो आग्नेय या अवसादी चट्टाने बिखर जाती है। बिखरने के बाद छोटी छोटे कणों में विभाजित होकर किसका निर्माण कर देती है, कायंत्रित चट्टान का। दोबारा देखो, जब आग्नेय चट्टान जीवाश्म रही थी, कुछ समय बाद जो लावा या मैग्मा ठंडा हो जाता है और वो अब एक लहरदार या परत के रूप में जम जाता है, परतदार हो जाता है, तो उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे जो खासकर कोयला, पेट्रोलियम, इन्हीं अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल, जैसे खनिज तेल में जैसे इसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, कोयला या पेट्रोल को, कोयला और पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। कुछ समय के बाद प्राकृतिक घटनाओं या रासायनिक अभिक्रियाओं कारण ताप दाब के अंदर या तो आग्नेय चट्टान डायरेक्ट कायंत्रित में बदल जाती या अवसादी से कायंत्रित चट्टाने, ये दोनों चट्टाने टूटकर छोटी छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और फिर किसका निर्माण कर देती है, कायंत्रित चट्टान का, किसका, कायंत्रित। ये तो ये चट्टानों के बारे में था, इनकी अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशन है, जैसे लैकोलिथ बैकोलिथ वो समझाते हैं आपको। जब लावा या मैग्मा, क्या बोलेंगे, जब लावा या मैग्मा, लावा या मैग्मा ज्वालामुखी के उद्गार के माध्यम से अंदर जमता है, अंदर ठोस रूप जमता है, जब अंदर ही ठोस रूप ले लेता है, क्या ले लेता है, अंदर ही ठोस रूप ले लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। जब आग्नेय चट्टानों के रूप में लावा या मैग्मा अंदर ठोस रूप ले लेता है तो उसको ग्रेनाइट बोलेंगे, और जब बाहर आकर ठोस रूप लेता है, बाहर ठोस रूप लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, बेसाल्ट चट्टान, क्या बोलेंगे, बेसाल्ट चट्टान। देखिए, आग्नेय चट्टान है, जब वो किसी ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से जो लावा है या मैग्मा है बाहर आकर ठोस रूप लेता है तो उसको बेसाल्ट बोलेंगे, और जब अंदर ही वो ठोस रूप ले लेता है तो उसको ग्रेनाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। अब जैसे कुछ परिभाषाएं फैकोलिथ बैकोलिथ डाइक, और इसके अलावा फैकोलिथ लैकोलिथ बैकोलिथ फैकोलिथ, वो देखते हैं हम कैसे समझते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार। फैकोलिथ बैकोलिथ और डाइक क्या होता है वो यही समझते हैं। सबसे पहले, जब जो ज्वालामुखी है आपका बड़े गुबंद के रूप में, बड़ा गुबंद रूप ले लेता है तो उसको बोलेंगे बैकोलिथ, क्या बोलेंगे, बैकोलिथ। जब ज्वालामुखी के माध्यम से लावा या मैग्मा बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो उसको बोलते हैं बैकोलिथ। जब ये छतरीनुमा, या बोलेंगे जब बड़ा गुबंद आकार, गुबंद आकार बनाता है तो उसको बोलेंगे बैकोलिथ, और जब छतरीनुमा, जब ये छतरीनुमा रूप ले लेता है, कैसा, छतरीनुमा रूप, तो उसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ, क्या बोलेंगे, लैकोलिथ। और जब लहर के रूप में लहरदार ऐसे, इसको बोलेंगे फैकोलिथ, क्या बोलेंगे, फैकोलिथ। और जब अंदर चट्टानों के रूप में दरार के रूप में फंस जाता है ऐसे तो उसको बोलेंगे डाइक, क्या बोलेंगे, डाइक। दोबारा देखो, जब
मैग्मा या लावा किसी ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से बड़ा गुबंद आकार, बड़ा रूप ले लेता है तो उसको बोलेंगे बैकोलिथ, और जब छतरीनुमा या संतरीनुमा आकार ले लेता है तो उसको बोलेंगे लैकोलिथ, और लहरदार या परत के रूप में जमता है तो उसको बोलेंगे फैकोलिथ, और जब चट्टानों के बीच में ऐसे फंस जाता है तो इस तरह से उसको बोलेंगे डाइक। अब इनके तीनों चट्टानों के, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक या कायंत्रित चट्टानों के गुण पढ़ेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी है और ये कैसे बदलते हैं वो जरूर पढ़ेंगे। गुण पढ़ेंगे किस किस के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, तो पहला है यह कठोर होती है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जीवांशम रहित होती है, यानी जीवांशम नहीं पाए जाते क्योंकि इतना गर्म होता है लावा या मैग्मा जो भी इसके संपर्क में आता है उसको जलाकर राख कर देता है, यह जीवांशम सहित होती है। जीवांशम सहित होती है या जीवांशम युक्त होती है। इसमें बहुमूल्य धातुएं जैसे लोहा, तांबा, सोना, निकल, लोहा, तांबा, निकल, सोना इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अंदर यह परतदार होती है। इसमें खनिज तेल जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में, जैसे दामोदर, और इसके अलावा दामोदर, महानदी, गोदावरी, की जो घाटियां हैं अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, दामोदर, महानदी, गोदावरी नदियों की जो अवसादी चट्टानें उनमें क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। इसके अलावा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एक होता है लोइस बताता हूँ क्या होता है, इत्यादि पाया जाता है। दोबारा देखो इनके अंदर क्या क्या है, यह कठोर होती है और जीवांशम रहित होती है क्योंकि कोई भी इतना गर्म होता है ये लावा या मैग्मा जो भी चीज़ इसके संपर्क में आती है उसको जलाकर राख कर देता है। यह परतदार होती है, जीवांशम युक्त होती है, इसमें खनिज तेल, कोयला, पेट्रोलियम आदि पाए जाते हैं, उन अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी की जो अवसाद चट्टान उनमें क्या पाया जाता है, कोयला। इसमें बहुमूल्य धातुएं क्या पाई जाती है, लोहा, तांबा, निकल, प्लेटिनम, सोना आदि। बलुआ पत्थर, चूना, लोइस क्या है, हवा के तेज झोंके के द्वारा एक स्थान की मिट्टी हवा के द्वारा बहाकर दूसरी जगह पर ले जाई जाती है और वहां पर क्या बन जाती है, एक नई परत बन जाती है। चीन के अंदर एक तकला मैदान है, क्या है, तकला मैदान, किसका बना हुआ है लोइस का। चट्टानों का रूपांतरण पढ़ेंगे, सबसे पहले आग्नेय चट्टान है, जो सबसे पहले कौन सी थी, हमने पढ़ी थी ग्रेनाइट, किसके अंदर बदलती है, नीस के अंदर। फिर सेकंड है ग्रेबो, किस में बदलेगी, सर पेटाइन में। थर्ड है ग्रेनाइट, नीस के अंदर बदलेगी, बेसाल्ट सिस्ट के अंदर, और जो बिटूमिन है
बिटुमिन एक तरह का चट्टान है जो बिटुमिन किस में बदलेगी, ग्रेफाइट में। ये इस तरह से रूपांतरण है, जैसे ये देख सकता है ये किसका रूप है, ग्रेनाइट, यानी कि लड़की को नाइट में, नीस लड़की को नाइट में नहीं निकलना चाहिए, ग्रेबोय गरीब आदमी से भी उसको सर पिटने की रहती है, ये कह सकते हैं सर पेटाइन। बेसाल्ट सिस्ट और बिटुमिन ग्रेफाइट। अब अवसादी चट्टान पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। सबसे पहली है जो है आपका सेल, किसके पहले सेल है, उसके बाद चूना पत्थर, और थर्ड है चूना पत्थर के बाद लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट चूना पत्थर तो बदलेगा आसान है भाई संगमरमर के अंदर, संगमरमर, और लिग्नाइट एंथ्रासाइट कोयला है जो, बड़े आसान है ये भी, चूना पत्थर संगमरमर के अंदर बदलेगा और लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कह लो, और सेल स्लेट के अंदर, किसके अंदर, सेल स्लेट के अंदर। हमारा आग्नेय हो गया ग्रेनाइट नीस के अंदर, ग्रेबो सरपेटाइन के अंदर, बेसाल्ट सिस्ट के अंदर, बिटुमिन ग्रेफाइट के अंदर, सेल स्लेट के अंदर, चूना पत्थर संगमरमर। अवसादी चट्टानों को देखो, सेल किस में बदलेगा, स्लेट के अंदर, चूना पत्थर संगमरमर के अंदर, लिग्नाइट एंथ्रासाइट के अंदर। कायंत्रित देखो जो चट्टान है लास्ट वाली, कायंत्रित मेटामॉर्फिक, फर्स्ट है इसके अंदर जो है स्लेट, और सेकंड है आपका फाइलाइट, इसको बोलते हैं फाइलाइट। स्लेट बदलेगा आपका फाइलाइट के अंदर, फाइलाइट, और फाइलाइट सिस्ट के अंदर, किसके अंदर, सिस्ट के अंदर। जो दोबारा देखो तीनों को, आग्नेय ग्रेनाइट नीस के अंदर, ग्रेबो सरपेटाइन, बेसाल्ट सिस्ट के अंदर, बिटुमिन ग्रेफाइट के अंदर। अवसादी जो चट्टाने सेल है स्लेट के अंदर, चूना पत्थर संगमरमर के अंदर, लिग्नाइट एंथ्रासाइट कोयला होता है एक तरह से, कायंत्रित स्लेट फाइलाइट और फाइलाइट सिस्ट के अंदर। उल्टा है जैसे सह वाला सह से मिलाएं तो स्लेट फाइलाइट और फाइलाइट सिस्ट के अंदर। जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वेल्केनो ज्वालामुखी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी जिसको वेल्केनो बोलते हैं, यानी कि भूपटल के ऊपर, भूपटल या भूपर्पटी के ऊपर ऐसा प्राकृतिक छेद, प्राकृतिक होल छेद, जिससे लावा मैग्मा किसी ज्वालामुखी के ज्वालामुखी तो होता ही है, लावा मैग्मा या जल वाष्प गैस के रूप में बाहर आता है, ये सीगर हवा में उड़ता हुआ ठंडा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंडर। दोबारा देखो, भूपटल या भूपर्पटी पर वह प्राकृतिक छेद जिससे लावा मैग्मा जल वाष्प गैस हवा में उड़ता हुआ बाहर आता है और सीगर ही वो क्या हो जाता है, ठंडा होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, सिंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंडर, जो गैस के होते हैं। अब जो ज्वालामुखी वो तीन तरह के होते हैं, ज्वालामुखी तीन तरह के, सक्रिय और प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। वेल्केनो जो तीन तरह के होते हैं, सक्रिय एक्टिव डोरमेंट यानी प्रसुप्त, और बिल्कुल पैसिव या शांत ज्वालामुखी होते हैं। कितने होते हैं, तीन प्रकार के, कि जो तीन तरह के होते हैं, सक्रिय प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनकी जो संख्या है लगभग एक तो कितनी 500 के आसपास, और इसमें प्राय उद्गार होता रहता है, यानी कि ये लगभग इसमें से ज्वालामुखी निकलता रहता है,
क्या क्या है, इनकी संख्या 500 है। और इटली का जो उदाहरण है, इटली का एटना, इटली का एटना, और मैक्सिको में स्ट्रामबोली एक है, स्ट्रामबोली जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें गैसें जलती रहती हैं। और ये लगभग 40 बार इसका उद्गार हो चुका है, ये 40 बार बाहर आ चुका है। दोबारा देखो, सक्रिय ज्वालामुखी में क्या है, प्राय बाहर जल वाष्प निकलते रहते हैं, गैस निकलते रहते हैं, जिसमें इटली का एटना, स्ट्रामबोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कि 40 बार बाहर ज्वालामुखी आ चुका है। प्रसुप्त में देखो, निकट अतीत में अभी भी कभी किसी भी टाइम ये नहीं निकला है, लेकिन निकलने की संभावना ये है भाई, ये कभी भी इसका उद्गार हो सकता है। अभी तक ये बाहर नहीं निकला, लेकिन इसकी संभावना ये है भाई, ये कभी भी बाहर निकल सकता है। जैसे जापान का जो फ्यूजी नामा है, क्या नाम, उदाहरण विसुवियस फ्यूजी नामा, यानी कि ऐसा प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो निकट अतीत में कभी भी बाहर नहीं निकला, लेकिन संभावना ये है वे कभी भी बाहर निकल सकता है। विसुवियस फ्यूजी नामा जापान का, और मेयन है, क्या है, मेयन कहाँ का, ये फिलीपींस का। और शांत ज्वालामुखी जो है वो हम डिस्कस करते हैं, शांत ज्वालामुखी को अभी डिस्कस। शांत ज्वालामुखी है जो आज तक कभी भी जिसका उद्गार नहीं हुआ है, कोई ज्वालामुखी जलवाष्प बाहर नहीं आया है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे ईरान का क्या है, कोह सुल्तान, और पोपा है जो म्यांमार का, और पोपा कहाँ का है, म्यांमार का। इसके अलावा जो आपका किली मंजारो वो कहाँ है, अफ्रीका के अंदर। तो ये ज्वालामुखी थे जो सक्रिय ज्वालामुखी है। अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस में है, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, एशिया व अफ्रीका के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, यानी जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें एक भी सक्रिय ज्वालामुखी या किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप के तटों पर। एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब पढ़ेंगे गेसर। ज्वालामुखी के समय बहुत सारे क्षेत्रों में उद्गार के समय काफ़ी मात्रा में जलवाष्प व गैसें बाहर निकलती काफ़ी ऊंचाई तक, और उसी को की क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलेंगे। और जिस ज्वालामुखी के अंदर, जिस ग्लेशियर ज्वालामुखी के अंदर सल्फर या गंधक की मात्रा हो, उसे क्या बोलेंगे, सोल्फतारा। जो ईरान का कोह सुल्तान और अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों द्वारों की घाटी
भी कहा जाता है। अलास्का के अंदर जो कटमई ज्वालामुखी, उसको हजारों द्वारों की घाटी इस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजारों द्वारों की घाटी जिस हमने पढ़ रहे थे, जिस ज्वालामुखी में सल्फर या गंधक की मात्रा हो उसको सोल्फ्तारा बोलते हैं। अलास्का के अंदर जो कटमई ज्वालामुखी को हजारों द्वारों की घाटी भी कहा जाता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर है? कोटा पैक्सी इक्वाडोर में। कहाँ पे? कोटा पैक्सी इक्वाडोर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट ऊंचा है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजस डेल साल्डो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जो कहाँ पर? अर्जेंटीना व चिली देश की सीमा पर स्थित है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी का क्या नाम है? एकांक गुआ, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 6,960 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।